हेलो फ्रेंड, अकेले पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक सरप्राइज मेल आया था हमको हुम्बाल फिल्म्स की तरफ से कि एक उनका एक नया अपकमिंग मूवी है जिसका नाम है रिचार्ड द लॉर्ड ऑफ सी। उसका टाइटल लॉन्च आज रिलीज हुआ है, तो उससे रिलेटेड हमको मेल आया था कि उसका भी सपोर्ट करने के लिए, उस पर भी अगर होगा तो अपना रिएक्शन देने के लिए। तो अगेन हम हुम्बाल फिल्म्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे। वी फील ऑनर्ड कि आपने हमको भी एक क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट दिया है हमारे एक रिएक्शन चैनल को करने के लिए, तो अच्छा लग रहा है दोस्तों। एंड तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, ये इसका अच्छा चीज ये था दोस्तों, वी आर रिसेंटली सरप्राइज ये जान के कि जो रिचार्ड एंथोनी का है उसको रक्षित शेट्टी प्ले करने वाले हैं वो रोल, तो वो बहुत ही अच्छा, हमको बहुत पसंद है दोस्तों। कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक मुझे लगता है वो एक ऐसा अपकमिंग टैलेंट है जो बहुत साल वो जाने जाएंगे मुझे लगता है। वो जब तक वो बहुत कपल ऑफ ईयर्स या 20-30 ईयर्स मुझे लगता है कुछ लेगेसी सेट करेंगे वो, ऐसा मुझे लगते हैं। एंड ये भी अच्छा है कि इसका जो प्रोड्यूसर है विजय किरंगदूर जी हैं जो केजीएफ वाले हैं वो लोग, तो एक अच्छा दोस्तों फिर से देखने मिला। कुछ लगता है रक्षित शेट्टी जब काम करते हैं तो लगता है कुछ यूनिक प्रोजेक्ट ही होगा, ये नॉर्मल नहीं हो सकता, कुछ हमको अलग देखने मिलेगा। हाल ही में हमने उनका 777 चार्ली का भी देखा था टीजर, बहुत मजा आया था वो देखने के लिए, डिफरेंट यूनिक था। तो दोस्तों आज देरी नहीं करते हैं, हुम्बाल फिल्म्स का रिचार्ड एंथनी का जो टाइटल लॉन्च वीडियो है वो देखते हैं, रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। పరశురామ క్వార్టర్ పిసాకి సముద్రరాజం పై నెలకి తిరిగి గట్టు కలిగి నెలవేళ్ళ సముద్రరాజు అవును చాగున వాపస్ తెగ పొందద్దావా కేమ పాష పేరైతే తోంది బొత్తు కూడల పాష పిసాకేనా ఇలియా మూడు బలిత కూడే ఆ పాష ఊదిన హరాయి వాపస్ పడతా కానీ మూడు లోప వాపస్ పడతా కొంచెం అసలు సొత్తి మాట్లాడుతున్నా యారు బాడమా కనబడతా రిచర్డ్ అంతని 1963-1991 మీట్ మంత్ అగేన్ రిచర్డ్ అంతని లార్డ్ ఆఫ్ ద సీ before and after sometimes are we are looking many of the things are also आज भी खतरनाक है यार, एक कुछ तो गया उससे बोट डायरेक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाँ, जो वो स्टोरी बताना स्टार्ट किए बिल्कुल भी समझ नहीं आया, वो कुछ बता रहे हैं पहले परशुराम जी के बारे में बताया कुछ, उसके बाद सडनली बताया कि वो कोई थ्री कैरेक्टर्स या थ्री लाइव अलाइव हो सकता है फिर से, फिर वो क्रो को कोई हटाया वो आदमी, फिर सडनली वो एंथोनी वो बोले कि कोई भी आए बट ये नहीं आना चाहिए, रिचार्ड एंथोनी का वो था रेवियर्ड, पता नहीं क्या है, खतरनाक था वो तो। एंड अभी भी ऐसा समझ नहीं आ रहा स्टोरी क्या था, क्योंकि उसके बाद का सीन डायरेक्ट वो क्या ओशन या सी का दिखा रहा है,
एंड लास्ट तक दिखा तो बोट कुछ गिरा हुआ है उसमें, कुछ मर गया या पता नहीं क्या हुआ है कहता ना, तो दोस्तों मैंने वो म्यूजिक बहुत अच्छा था। हाँ म्यूजिक अच्छा था पूरा, वो जो ड्रम या तीरमार जैसा था दोस्तों, एंड बिल्कुल भी हमको आइडिया नहीं चल रहा है क्या ये हॉरर है या कोई एक कैरेक्टर के बारे में है जो सी में था जैक स्पैरो जैसा कोई बात हो रहा है, वो जो कैरेक्टर था पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसा उसके बारे में बात हो रहा है, या मैं देख रहा हूँ कहीं पे उनका जो इनका एक प्रीवियस मूवी था शायद उल्ली द वारे कन्नड़ते उनके साथ कुछ ये रेफरेंस है या क्या है, उसी टाइप का मूवी है क्या, क्राइम थ्रिलर है क्या है दोस्तों, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन वो था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये जो टाइटल लॉन्च क्योंकि हमको पूरा वो क्यूरियोसिटी में छोड़ दिया है क्या आप जानने के लिए, इसका बाद का जो टीजर है देखना पड़ेगा। एंड लास्ट में भी हम सरप्राइज हैं दोस्तों अगेन बिकॉज हम पढ़े कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रक्षित शेट्टी, हम सोचे कि शायद सिर्फ वो एक्टिंग ही होंगे, बट ये तो बहुत कुछ मन मजा आएगा दोस्तों देखने के लिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है कुछ, मैंने नॉर्मल तो नहीं लग रहा है ये तो कंफर्म है ना, बहुत दोस्तों बहुत मजा आया। अगेन मुझे लगता है एक विनर साबित होगा होमवाल फिल्म्स के लिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मेरे को ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको विजय किरंदुरुजूर के बारे में भी जानने मिला, मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मूवी में अपना पैसा लगाते हैं प्रोड्यूस करते हैं है ना, अच्छा अच्छा क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में अपना ये डालते हैं। तो दोस्तों ठीक है, हमको तो बहुत मजा आया, होप आपको भी अच्छा लगा हो, इसका जो भी अगर टीजर ट्रेलर जो भी आएगा हम इस पर जरूर रिएक्शन देंगे। तो ठीक है फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।